छोड़ी गुलशन की बायोपिक फिर सलमान ने भी अपने हाथ कर लिए पीछे, लेकिन अब आमिर हो गए हैं इस फिल्म के लिए राजी। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, आमिर ने गुलशन कुमार की बायोपिक में काम करने के लिए हामी भर दी है। लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने इस फिल्म के मेकर्स के सामने एक शर्त रख दी है, अगर आमिर की ये शर्त पूरी होगी तभी वो इस फिल्म को करने के लिए राजी होंगे। दरअसल आमिर की शर्त है कि गुलशन कुमार की बायोपिक में म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम सैफी का जिक्र नहीं होगा। आमिर खान चाहते हैं कि गुलशन कुमार की बायोपिक में उनके किए अच्छे काम और उनकी उपलब्धियों का तो जिक्र हो, मगर उनकी दिन दिहाड़ी की गई हत्या के बाद शक के घेरे में आए नदीम का नाम स्क्रिप्ट में शामिल न हो। आमिर नहीं चाहते कि वो किसी पछड़े में पड़े, इसलिए वो चाहते हैं कि गुलशन कुमार की पूरी जिंदगी को दिखाने की बजाय उनकी जिंदगी के एक पहलू पर ही फोकस किया जाए। बता दें कि भूषण कुमार ने सबसे पहले इस फिल्म के लिए अक्षय को कास्ट किया था। अक्की ने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन वो फीस और स्टोरी में बदलाव चाहते थे, पर भूषण कुमार ने उनकी बात नजरअंदाज कर दी और फिर अक्षय ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। वहीं सलमान ने भी फिल्म करने से इनकार कर दिया था। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि भूषण कुमार आमिर की शर्त मानते हैं या नहीं। वैसे आप आमिर को इस फिल्म में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF News।